आय हाय नहीं भाई, रूबी का हस्बैंड बैंकक्रप्ट हो गया है, वो 30 लाख की कहां से कमिटी डालेगी। अच्छा आई विल कॉल यू लेटर। या आपने उरूसा को याद दहानी करवाई है कॉल करके कि घर भी वापस आना होता है? एक सेकंड, मैं उसके बाप की नौकर हूँ, मैं उसे कॉल करके क्यों याद दिलाऊंगी, वो खुद नहीं कॉल कर सकती। करी ना ले, उस मौज मेले में उसे अपने घर वालों के सिवा कुछ और नजर आता है, और हमें तो वो अपने समझती ही नहीं है। मॉम, उसे इतना सुकून से नहीं रहना चाहिए। आप अब भी उसे वापस आने का हुक्म दें। मैं उसे कॉल नहीं करूं। मॉम, आप उसे वापस बुलाएं, क्योंकि कल भाई भी आ रहे हैं और राहिल भी आ रहे हैं, उसे यहाँ होना चाहिए। और रशीद चाचा को छुट्टी दे। ओहो, अभी तो वो वापस आए हैं छुट्टी से। तो वापस छुट्टी पे नहीं जा सकते। मैं कॉल मिला रही हूँ, आप बात करिए। मिलाओ, बात करती हूँ। रिंगिंग जा रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मामी जान। वालेकुम। भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारा प्लान क्या है? अगर सारी उम्र तुमने अपनी माँ के घर पे रहना था तो फिर शादी क्यों की? तुम भूल ही गई हो हमको। हैं, अगर वलीद यहाँ नहीं है तो क्या मतलब, हम नहीं है? नहीं नहीं मामी जान, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। दरअसल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बस उन्हीं के साथ बिजी हूँ। अच्छा, क्या हुआ है उसे? उनका बीपी शूट कर गया था, बेहोश हो गई थी। ओहो, और तुम क्या अकेली हो वहाँ? साइमा नहीं है? नहीं, आप ही भी आ गई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब साइमा ख्याल रखे अपनी माँ का, और तुम वापस आओ। याद है तुम्हें, मैंने तुम्हें कहा था कि पीर को तुमने वापस आना है, वलीद नहीं है तो तुम अनफेयर एडवांटेज ले रही हो। मामी जान, अम्मी की हालत तसल्ली बख्श नहीं है, मैं अभी चंद दिन और यहाँ रहूंगी। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहता है करो, अब तुम्हें वलीद ही फोन करेगा। ठीक है मामी जान? मेरी बात, और उसे मैंने आंटी को मेडिसिन दे दी है, वो सो गई, और साइमा आप ही उनके पास। क्या हुआ है, सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं सोया मामी जान, अब वरीद को मेरी शिकायतें लगाएंगी और वो न जाने मुझे क्या कुछ सुनाएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छी मसले में फंस गई हूँ मैं, अभी वापस तो नहीं जा सकती। सर क्या हो गया है, तुम इतनी टेंस क्यों हो गई हो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। कुछ नहीं, मतलब कुछ है, प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से टालने नहीं दूंगी। कुछ नहीं सोया, बस ऐसे घर की कुछ बातें। घर के मसले नए नहीं हैं, और ना ही इतने डेंजरस कि तुम इसके बारे में सोचो या तवज्जो दो, जो नए भी हैं और क्रिटिकल भी। मैं अभी वापस नहीं जाऊंगी सोया। उरुसा, तुम्हारी जिद, तुम्हारी अना, ये परेशानी की क्या वजह है, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? सोया मुझे अभी यहाँ रहना है, कुछ काम निपटा दे, अगर वापस चली गई तो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकूंगी यहाँ, और अम्मी को इस हाल में यहाँ छोड़कर मैं वहाँ टेंशन में ही रहूंगी। इससे बेहतर है कि मैं अम्मी के साथ यहीं रहूं। तुम वलीद भाई से बात करो, उन्हें एतमाद में लो, उसके बाद तुम्हारी मुमानी जो कुछ भी कहें, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बात रखो वलीद भाई के आगे। ठीक है, मैं बात करूंगी। गुड। जोया चले, बिलाल इंतजार कर रहे हैं, और उषा मैं जा रही हूँ, सुबह आ जाऊंगी। मोहसिन से कहूंगी कि ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप करते। तुम यहीं पे रहना, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, उनके पास उनका ख्याल रखना। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। चलो अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। ओके आ जाओ।